दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं टेक्निकल रोबोट। तो चैनल को अब कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं मैं कि ITI के सभी सेमेस्टरों का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ITI के सभी सेमेस्टरों का रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट जाके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो डाला था तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है, तो दोस्तों उस कमेंट को हम थोड़ा जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे उस कमेंट का, और दोस्तों आपको साथ ही बताएंगे दोस्तों आप कैसे अपना रिजल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये रिजल्ट आपका 26/4/2019 को ऑफिशियल वेबसाइट पर NCVT के जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों चलिए हम कुछ कमेंट को रिप्लाई करते हैं। दोस्तों इन्होंने कमेंट किया है, ये लिखे हैं, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है बट सर्वर स्लो चल रहा है, डाउन हो गया है मेरा रिजल्ट देखा। जी हाँ दोस्तों, सही से उन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि रिजल्ट आ गया है। दोस्तों बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप लोग सबूत देख लीजिए बच्चों, रिजल्ट आ चुका है। क्या हुआ, रिजल्ट आ गया है। अब हम थोड़ा दूसरा देखते हैं। दोस्तों देखिए इन्होंने बोला है कि देखिए, इन्होंने लिखा है, हाय भाई देखा है रिजल्ट, मैंने अपना पास हूँ, थैंक्स थर्ड सेमेस्टर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन बोर्ड NCVT। दोस्तों देखिए इन्होंने बोला कि रिजल्ट आ चुका है। अब दोस्तों कुछ और मैं कमेंट्स दिखाता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि रिजल्ट सभी बच्चों का आया कि नहीं आया है। तो दोस्तों एक बच्चा था जिन्होंने लिखा है कि फेक न्यूज है। दोस्तों ये लिखिए, आप लिखें फेक न्यूज है, लेकिन दोस्तों इनका एक रिप्लाई किया बच्चा, यहाँ पर लिखा है सही न्यूज़ है भाई, रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को सही से मैं बता दूँ कि रिजल्ट आपका आ गया है। दोस्तों यहाँ पर एक बच्चा देखिए लिखा है, सर मेरा सेमेस्टर थर्ड में फर्स्ट सेकेंड पेपर में फेल हूँ और प्रैक्टिकल में फेल दिखा रहा है, तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत से बच्चों ने कमेंट अपना कर रहे हैं, मुझसे शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आप भी कमेंट करिए, कुछ आपके पास समस्या हो तो मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। दोस्तों अब मैं पढ़ता हूँ एक और कमेंट की तरफ। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिख रहा है, इन्होंने बताया है कि सर जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है क्या उनका रिजल्ट नहीं शो करेगा। दोस्तों बता दूँ मैं आप लोग को, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है उनका रिजल्ट शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, वेरिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं था, अगर जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है उनका रिजल्ट दिखा रहा है, मैंने बहुत से बच्चों का देखा भी है। अब दोस्तों इन्होंने कहा, इनका कोई रिप्लाई किया है, देखा है कि दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्लियर कट है बात, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है उनका रिजल्ट शो होगा। अब दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर एक बिहारी ने कमेंट किया है, बिहार से ही हैं, इन्होंने लिखा है कि बिहार ITI का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है क्या, प्लीज़ सर रिप्लाई। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि हर बोर्ड अलग अलग होता है, यानी कि बिहार भी अलग होता है, हर राज्य अलग अलग होता है। दोस्तों तब कुछ ही दिन के अपडेट होंगे, कुछ ही घंटों में आपका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, तो आप सभी लोग का रिजल्ट कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा। एक आध समय लगेगा, अप्रैल के लास्ट 30 अप्रैल तक सभी राज्यों का अपडेट हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो सभी उत्तर प्रदेश सभी डिस्ट्रिक्टों का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप बिहार महाराष्ट्र कहीं के भी हों तो आपका रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों का एकाएक रिजल्ट नहीं आता है, तो सबका रिजल्ट धीरे धीरे आ जाएगा। अब दोस्तों आपको बताऊँ मैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे देखें NCVT की वेबसाइट पर। दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है, आप अपना रिजल्ट कैसे देखें NCVT की वेबसाइट पर। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए, गूगल पे आने के बाद आपको करना क्या है, दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है NCVT MIS का होम पेज। दोस्तों ये आपको जो ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर NCVT का होम पेज खुल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन में जाना है, कहाँ पर जाना है, वेरिफिकेशन में। जैसे ही आप वेरिफिकेशन में जाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा ट्रेनर वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख जाएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन को आप क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, चाहे आप एडमिट सेमेस्टर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड फोर्थ के हों। अब दोस्तों आपको करना क्या, इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रेड फिल कर देना है, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने आपका रिजल्ट सामने हो जाएगा, आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सभी लोग अपना मार्क्स देख सकते हैं, कितना मार्क्स मिला मुझे। और दोस्तों इधर आपका ट्रेड थ्योरी सेशनल वर्कशॉप कैलकुलेशन सब कुछ इधर अच्छे से दिया है कि आप कितना मार्क्स पाए हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जाइए, अपना रिजल्ट देखिए। दोस्तों थोड़ा भी फेक न्यूज़ नहीं है। दोस्तों और आपको बता दूं मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ITI से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे YouTube पर अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या करिए, मेरे वीडियो सब्सक्राइब के लिए चैनल को, और दोस्तों साथ ही आप दबा दीजिए बेल आइकन को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आपको नया नया अपडेट देता रहता हूँ। तो
तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।